हेलो डॉक्टर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर वस्ती के बारे में और उत्तर वस्ती की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या इंडिकेशंस है और इसे उत्तर वस्ती क्यों कहते हैं, एंड प्रैक्टिकल वीडियो क्लिप भी आपको पेश करेंगे जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इसको प्रैक्टिकली पेशेंट को कैसे दी जाती है एंड फीमेल में गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में किस टाइम पर इसको देना चाहिए। और इसके साथ ही हम नस्य के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। थैंक यू। पंचकर्मा ट्रीटमेंट में उत्तरवस्ती एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम लिक्विड मेडिसिन इंसर्ट करते हैं यूरेथ्रा और वेजाइनल रूट में, यानी फीमेल में योनि मार्ग एंड मूत्र मार्ग में एंड मेल में मूत्र मार्ग में मेडिसिन एडमिनिस्टर की जाती है थ्रू उत्तरवस्ती। उत्तरवस्ती जितने भी डिजीज़ हैं, यूरिनरी डिजीज़ या जेनिटल ट्रैक डिजीज़, उनकी मैनेजमेंट में बहुत ही बेनिफिशियल मानी गई है। द मेडिसिन कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ कषाय, क्वाथ, आस्थापन और अनुवासन वस्ती। इसे हम उत्तर वस्ती क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उत्तर मार्ग से दी जाती है। उत्तर मार्ग का मतलब क्या है? द पैसेज दैट इज प्रेजेंट इन फ्रंट पोर्शन ऑफ द बॉडी इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज विजाइनल रूट, यूरेथ्रा। उत्तर वस्ती का जो नेत्र होता है, नेत्र या नोजल ऑफ द उत्तर वस्ती इज ऑल्सो कॉल्ड पुष्प नेत्र। क्यों इसे पुष्प नेत्र कहते हैं? क्योंकि इसके थ्रू हम मेडिसिन जो है वो यूट्रस में इंसर्ट करते हैं टू ट्रीट मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, एंड जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है फीमेल में होता है उसको हम पुष्प बोलते हैं आयुर्वेद में, इसीलिए नेत्र को पुष्प नेत्र कहा जाता है। इसकी डायमेंशन क्या होती है? जो वस्ती नेत्र की लेंथ है वो 12 अंगुल होती है एंड महर्षि सुश्रुत ने 14 अंगुल बताई है। और ये जो नोज़ल होता है ये गोल्ड या सिल्वर का बनाया जाता था, लेकिन नाउअडेज डिस्पोजेबल प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील का ही बनाया जाता है। और इसकी जो शेप होती है वो जाति पुष्प या करवीर पुष्प से रिजेंबल करती है, मतलब सेंटर से ये ब्रॉड होता है एंड जैसे ही हम एंड की तरफ जाते हैं तो ये नैरो होता जाता है, जस्ट लाइक द टेल ऑफ द काउ। इसका जो ल्यूमन होता है वो इतना चौड़ा होता है कि एक सरसप जिससे आसानी से सुगमता से निकल जाए, एक मस्टर्ड ग्रेन जो है आसानी से निकल जाए, इतना इसका ल्यूमन हम उसकी चौड़ाई रखते हैं। एंड इन कंपैरिजन टू थ्री कर्णिका इन निरुवस्ती, निरुवस्ती के नेत्र में जैसे मैंने आपको बताया था कि तीन कर्णिकाएँ होती हैं, तीन रिंग्स होती हैं, इसमें तीन रिंग्स की बजाय दो कर्णिकाएँ होती हैं इन द नेजल ऑफ उत्तर वस्ती। एक कर्णिका बेस पर होती है जहाँ जो नोज़ल है वस्ती पुटक के साथ फिट किया जाता है, और दूसरी कर्णिका सेंटर पे होती है एट द मिड पॉइंट ऑफ द वस्ती नेत्र, जहाँ से एंड तक वस्ती नेत्र की लंबाई जो होती है 6 से 7 अंगुल की होती है, मतलब मिड पॉइंट पे जो कर्णिका है सेंटर पे वहाँ से एंड तक जो लंबाई होती है 6 से 7 अंगुल होती है। ये उतनी लेंथ होती है जितनी कि जेनिटल ट्रैक में पास आउट हो जाए, इंसर्ट हो जाए। वैसे हम आपको आगे बताएंगे कि कितनी जो लेंथ है वस्ती नेत्र की कौन से टाइप के पेशेंट में अंदर तक डालनी चाहिए। एंड जैसे कि अगर फीमेल पेशेंट है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसका एक्टिव है या जिसने बेबी डिलीवर किया हुआ है, उसमें 4 अंगुल तक वस्ती नेत्र इंसर्ट करना चाहिए इनटू द यूरिनरी पैसेज, मतलब कि अराउंड 4 सेंटीमीटर नोजल शुड बी इंसर्टेड इन द यूरिनरी पैसेज। और जो उत्तर वस्ती होती है वो अनमैरिड गर्ल्स के वेजाइनल पैसेज में नहीं दी जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द उत्तर वस्ती, देखिए उत्तर वस्ती देने का क्या टाइम होता है फीमेल में? फीमेल में स्नेहन और स्वेदन के बाद उत्तर वस्ती जो है ऋतुकाल में देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? क्योंकि इस टाइम पे उस ये जो फॉलिकुलर फेज होता है या फिर जस्ट आफ्टर मेंसेस, मेंसेस के इमीडिएट बाद ही एक दिन में या 2 दिन के अंदर अंदर उसको उत्तर वस्ती दे देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो उसका ओरिफाइस होता है यूट्रस का वो ओपन रहता है, वस्ती ईजिली इंसर्ट होके मेडिसिन एडमिनिस्टर हम कर सकते हैं और कंसीव करने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। महर्षि चरक ने ऋतुकाल को ही मोस्ट सूटेबल टाइम बताया है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द उत्तर वस्ती इन द विजाइनल ट्रैक एंड इन द यूट्रस।
देखिए जो उत्तर बस्ती होती है वो हमेशा पेशेंट को 2 से 3 आस्थापन बस्ती देने के बाद ही देनी चाहिए और ऋतुकाल में देनी चाहिए, क्योंकि एक और रीज़न है फीमेल को उत्तर बस्ती ऋतुकाल में देने का, और वो ये है कि गर्भाशय उस काल में आवरण रहित रहता है जिससे जो स्नेह है ईजिली एंटर कर जाता है गर्भाशय में एंड ईजिली एब्जॉर्ब कर जाता है। आइए देखते हैं बस्ती की मात्रा कितनी होती है। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक 20 ग्राम्स होती है और ये हम 3 दिन तक दे सकते हैं अपने पेशेंट को 20 ग्राम की डोज में 3 दिन तक दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू महर्षि सुश्रुत मेल में उन्होंने 1 प्रस्थ बताई है, दैट इज़ 96 ग्राम एंड फीमेल में उन्होंने 2 प्रस्थ बताई है, दैट इज़ 192 ग्राम्स। स्नेह जो है इट शुड बी टेकन डबल द क्वांटिटी फॉर यूट्राइन डूशिंग और क्लीनिंग। जो डिकॉक्शन है, अगर हम डिकॉक्शन दे रहे हैं उत्तर बस्ती में क्वाथ या कषाय, जैसा कि हमने पहले कहा कि हम क्वाथ भी दे सकते हैं, ऑयल बेस्ड भी बस्ती दे सकते हैं, तो क्वाथ की क्या डोज रहेगी? मेल में 96 ग्राम 1 प्रस्थ, फीमेल में 2 प्रस्थ दैट इज़ 192 ग्राम्स एंड कन्या में 1 प्रस्र। स्नेह जो है मेल में 48 ग्राम्स है, फीमेल में 96 ग्राम है। आचार्य वंगसेन ने मैक्सिमम 4 तोला तक डोज बताई है एंड 25 साल की उम्र से नीचे कन्या को 2 कर्ष की डोज में उत्तर बस्ती देनी चाहिए। पूर्व कर्म में जैसा कि आचार्य वाग्भट ने बताया है कि 2 से 3 निरु बस्ती देने के बाद ही उत्तर बस्ती देनी चाहिए, और उत्तर बस्ती देने से पहले हमें अभ्यंग और स्वेदन कर्म करना चाहिए, प्रेफरेबली ओवर द बैक, ग्रॉइन रीजन, एब्डोमन, देन उसको इंटरनली यवागु एडिड विद घी देनी चाहिए। प्रधान कर्म इन फीमेल को उत्तर बस्ती देने के लिए सबसे पहले लिथोटमी पोजीशन में लेटाना होता है, जिसमें शी इज मेड टू लाई डाउन ऑन हर बैक एंड लेग्स आर फोल्ड टू नी। ये मैं आपको ऑडिबली बता देती हूँ, लेकिन इसके रिलेटेड आपको पूरा प्रॉपर वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिथोटमी पोजीशन बनाने के बाद फीमेल के जो जेनिटल एरियाज होते हैं उसको प्रॉपर हमने क्लीन करना होता है, स्टरलाइज्ड करना होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, क्योंकि अगर हम स्टरलाइजेशन नहीं करेंगे तो उसके अंदर और ज़्यादा इन्फेक्शन इंसर्ट हो जाएगा हमारे इंस्ट्रूमेंट से या फिर उसके जो अनहाइजीनिक एरिया है उससे। तो इसीलिए जो विजाइना के सराउंडिंग एरियाज होता है एंड विजाइना के अंदर के एरिया हमने बीटाडीन से प्रॉपर क्लीन करना है एंड उसके ऊपर फिर हम एक स्टरलाइज शीट बिछाते हैं एंड देन द बस्ती नोजल इज लुब्रिकेटेड विद स्ने एंड द अपथ्या मार्ग विजाइनल ट्रैक इज ऑल्सो लुब्रिकेटेड विद द स्ने। और फिर जो बस्ती यंत्र होता है जिसमें हमने सिलेक्टेड क्वाथ या फिर सिलेक्टेड स्ने लिया होता है उसको हम विजाइनल ट्रैक में इंसर्ट करते हैं, और जो बस्ती पुटक होता है उसको कंप्रेस्ड किया जाता है यूनिफॉर्मली ताकि योनि के अंदर द्रव्य एंटर कर जाए। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, अगर हम क्वाथ इंसर्ट करते हैं तो वो इमीडिएटली रिटर्न बैक आ जाता है, जबकि स्नेह जो होता है वो कुछ टाइम बाद वापस आता है। उत्तर बस्ती जो है हम पेशेंट को दिन में 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली यूजुअली 1 दिन में 1 ही बार दी जाती है एंड 3 दिन तक हम उसे लगातार पेशेंट को देते हैं। 3 दिन लगातार उत्तर बस्ती देने के बाद यूजुअली हम पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, ताकि हम तीन दिन रेस्ट करने के लिए बोलते हैं ताकि हम नेक्स्ट 3 दिन बाद उसको फिर से उत्तर बस्ती का कोर्स दे सकें। उत्तर बस्ती नेत्र का परिणाम यानी कि सर्कमफ्रेंस क्या होना चाहिए? देखिए अकॉर्डिंग टू एज ऑफ द पर्सन, जैसे कि बाला में मूत्र मार्ग में हमने उत्तर बस्ती देनी होती है तो उसमें सर्षप निर्गम योग्य उसका सर्कमफ्रेंस होना चाहिए नेत्र का, कि सर्षप जो है वो सुगमता से निकल सके, और कर्णिका का जो स्थान है वो 1 अंगुल होना चाहिए, मतलब 1 अंगुल तक हम कर्णिका मूत्र मार्ग में इंसर्ट कर सकते हैं। और दूसरी और युवती में मूत्र मार्ग में मुदग निर्गम योग्य एंड 2 अंगुल तक कर्णिका का स्थान बताया गया है, एंड युवती में अगर योनि मार्ग में देना हो उत्तर बस्ती तो मुदग निर्गम योग्य एंड 4 अंगुल तक हम नेत्र को इंसर्ट कर सकते हैं
इन द वेजाइनल ट्रैक। मेल में जो मेन प्रोसीजर होता है उत्तरवस्थि का, वो कैसे होता है? आपने पेशेंट को एक ऐसे स्टूल पे बिठा देना है जिसकी हाइट उसके नीज तक होनी चाहिए, एंड फिर उसकी पेनिस को इरेक्ट करना है, और उसके बाद उसका जो यूरेथ्रल मेटिस होता है उसको लुब्रिकेट करके, नोज़ल को लुब्रिकेट करके, तो जो वस्ति यंत्र है जिसके अंदर क्वाथ या स्नेह होता है उसको इंसर्ट करना है वेरी केयरफुली इनटू द मूत्र मार्ग ऑफ द पेशेंट, और फिर वस्ति पुटक को कंप्रेस करना है यूनिफॉर्मली एंड जेंटली जिससे वो मेडिसिन अंदर इंसर्ट हो जाए, और फिर थोड़ी सी मेडिसिन या ऑयल पुटक में रहने देना है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द एयर इनटू द यूरेथ्रा। पश्चात क्रम में आप पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलेंगे जब तक कि आचार्य ने सुजेस्ट किया है कि वस्ति का प्रत्यागमन ना हो जाए, उसको तब तक वेट करना होगा, उत्तर वस्ति बाहर ना आ जाए उसके तब तक वेट करना है, और उसके बाद उसको इवनिंग में मिल्क या यूश पीने के लिए देना है। देखिए जो मेन प्रोसीजर होता है उत्तर वस्ति का, उसमें आपको इंस्ट्रूमेंट्स जो रिक्वायर्ड रहते हैं वो हैं स्पॉन्ज होल्डिंग फोसेप्स, सिम्स स्पेक्यूलम, इंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, वल्सम्स फोरसेप, यूट्राइन साउंड, सर्वाइकल डायलेटर, IUI कैनुला, या फिर इसकी जगह हम फीडिंग ट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, 5 cc सिरिंज, 9 गॉज पीस, ग्लव्स, टावल क्लिप्स, गुड लाइट सोर्स। और उत्तर वस्ति देने से पहले आपने पेशेंट को अच्छे से काउंसिल कर देना है, उसको ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसीजर, बेनिफिट्स ऑफ द प्रोसीजर, और उसकी जो प्रोसीजर के रिलेटेड कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको भी दूर करना है जिसकी वजह से उसको एंजाइटी या डर हो सकता है, तो सारा उसका काउंसलिंग अच्छे से करके उससे रिटन कंसेंट लेने हैं जिसमें आप मेंशन करेंगे कि इसके ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ आपने पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में लेटाना है, पार्ट प्रिपेयर करना है, मतलब लोकल जो हेयर है उसको सब रिमूव करके उसके बाद उसको बीटाडिन से स्टरलाइजेशन करना है, मतलब वेजाइनल का जो सराउंडिंग एरिया है उसको अच्छे से बीटाडिन से स्टरलाइज करना है, एंड योनि प्रक्षालन देना है विद एंटीसेप्टिक क्वाथ, ठीक है। एंड उसके बाद जब आप योनि प्रक्षालन कर देंगे विद एंटीसेप्टिक क्वाथ टू मेक श्योर कि कोई भी इन्फेक्शन की एंट्री ना हो सके, आपने पेशेंट का स्नेहन यानी कि एक्सटर्नल ओलिएशन करनी है, उसकी मसाज करनी है स्पेशली उसके एब्डोमिनल एरिया पर, बैक्स पर, थाई पर, लेग पर, और इसके बाद नाड़ी स्वेद से लोकल स्वेहन कराना है ऑन बैक एंड लोअर एब्डोमिन। उत्तर वस्ति से पहले हमें एक चीज़ नोट करनी होगी कि पेशेंट का जो ब्लैडर है दैट शुड बी एम्प्टी, उसने यूरिन पास किया हुआ होना चाहिए फॉर द बेटर रिजल्ट्स ऑफ उत्तर वस्ति, ठीक है, क्योंकि ब्लैडर में अगर यूरिन रहेगा तो फिर उत्तर वस्ति के एडमिनिस्ट्रेशन की जगह नहीं रहेगी, तो ब्लैडर जो है वो खाली होना चाहिए, ठीक है, पार्ट प्रिपेयर होने चाहिए। इसके बाद जब आपका पेशेंट प्रॉपर रेडी है फॉर द प्रोसीजर, उसको उसके वेजाइनल एरिया में आपको सिम्स स्पेक्यूलम इंसर्ट करना है, एंड देन इंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर उसमें इंसर्ट करना है ताकि उसका वेजाइना एंड सर्विक्स एरिया एक्सपोज हो जाए, एंड ऐसी पोजीशन में जो एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स है वो होल्ड करना है विल वेलसेलम फोरसेप, ठीक है, जो वेलसेलम फोरसेप है उससे एंटीरियर लिप ऑफ फोरसेप्स, सॉरी एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स होल्ड करना है। एंड इसके बाद जो आपने IUI कैनुला लिया है या फिर फीडिंग ट्यूब ली है उसमें उसको आपने वेजाइनल एरिया में इंसर्ट करना है, लेकिन उसको इंसर्ट करने से पहले आपने कैसे प्रिपेयर करके रखना है? देखिए सबसे पहले तो आपने एक जो 5 cc की सिरिंज हमने कही है उसमें मेडिसिन भरनी है, फॉर एग्जांपल नारायण तेल आपने ले लिया, और फिर उसके बाद उसके सिरिंज के आगे आपने फीडिंग ट्यूब को कनेक्ट कर देना है, मेक श्योर कि जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएँ, और फिर जब आपने वेजाइना की ऐसी पोजीशन बना के रखी है तो आपने जो फीडिंग ट्यूब है वो इंसर्ट करनी है अच्छे से, एंड सिरिंज के थ्रू पुश करके मेडिसिन अंदर डाल देनी है, एंड धीरे धीरे जेंटली एंड केयरफुली रिमूव ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, एंड लास्ट में आपने जो पेशेंट के बटेक्स एरिया है उसको थोड़ा टैप करना है ताकि मेडिसिन अच्छे से अंदर चली जाए।
पोस्ट प्रोसीजर में आप क्या देखेंगे कि पेशेंट जो है उसको आप एडवाइस करेंगे कि लिथोटमी पोजीशन से अपनी वो लेग्स जो है वो एक्सटेंड कर ले, ठीक है, एंड अपना जो हेड लो पोजीशन है उसको मेंटेन करके रखे, मतलब कि हेड लो पोजीशन उसको मेंटेन करके रखनी है 15 मिनट्स के लिए। और आपने उसके वाइटल्स चेक करने हैं, बीपी चेक करना है, पल्स चेक करना है हर 2 घंटे बाद। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वॉच एंड ऑब्जर्व द बस्ती द्रव्य एक्सपेल्ड आउट प्रॉपरली और नॉट, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि बस्ती द्रव्य बाहर आया है कि नहीं आया है। और जब बाहर आ जाए तो एक स्टरलाइज गॉस जो है पेशेंट की वेजाइना में आपने रख देना है एंड उसको बोलना है कि वो 2 घंटे बाद इस गॉस को रिमूव कर सकती है। एंड इसके बाद स्वेदन देना है उसके एब्डोमिनल एरिया पर, उसके बाद उसको लाइट डाइट देनी है एंड अवॉइड इंटरकोर्स फॉर एटलीस्ट 3 to 5 days पोस्ट प्रोसीजर। उत्तर बस्ती देते समय अगर आप देखें कि स्नेह जो है वो लौट कर नहीं आया है, ठीक है, बस्ती का प्रत्यागमन नहीं हुआ है, तो उस केस में आप पेशेंट की चिकित्सा कैसे करेंगे? पेशेंट को शोधन गण या फिर त्रिव्रत आदि या फिर तृण पंचमूल आदि या फिर विरेचन द्रव्य का क्वाथ जो है वो योनि मार्ग में आपने देना है 2 प्रसृति के डोज में, और अगर मूत्र मार्ग में दे रहे हैं तो 1 प्रसृति डोज में दे सकते हैं, जिससे उसको जो उत्तर वस्ती दी थी वो सारी वापस आ जाए। और इस केस में हम वर्ती का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि आरगवध के पत्र को निरगुंडी का स्वरस जो है या गोमूत्र में, मतलब कि पीस कर आरगवध के पत्तों को निरगुंडी स्वरस में या गोमूत्र के पत्तों गोमूत्र में पीस कर उसमें सैंदव मिलाकर जो वर्ती प्रिपेयर करेंगे वो दे सकते हैं, ठीक है। 4 अंगुल लंबी स्थूल वर्ती जो है हम प्रिपेयर करते हैं इससे। और इसके अलावा आरक आगार धूम और उसमें बृहती और पिपली प्लस मदनफल प्लस नागर, इन इंग्रेडिएंट्स की भी वर्ती बना सकते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, आरगवध के पत्तों को निरगुंडी स्वरस में पीसना है या फिर गोमूत्र में पीसना है और उसमें सैंदव लवण मिलाकर वर्ती बना देनी है 4 अंगुल लंबी स्थूल वर्ती। और दूसरी और आगार धूम बृहती पिपली मदनफल और नागर, इनकी वर्ती बनाकर भी आप दे सकते हैं पेशेंट को, जिससे कि उसकी जो वस्ती है अंदर रिटेन्ड नहीं रहेगी, बाहर आ जाएगी सुखपूर्वक। उत्तर वस्ती के क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, उत्तर बस्ती जितने भी यूरिनरी ट्रैक के डिजीज़ हैं या फिर जेनिटल ट्रैक के डिजीज़ हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाली बस्ती होती है। बस्ती चेशु विकार रेशु योनि विभ्रंश जेशु च, मतलब यूरिनरी ब्लैडर रिलेटेड डिजीजेस, यूट्रो वेजाइनल प्रोलैप्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, योनि शूलेशु तीव्रेशु योनि व्यापत स्वसृग्धरे, मतलब जेनिटल और विजाइनल पेन एंड गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा देती है। अप्रसवृत्ति मूत्रे च बिंदु बिंदु स्रवतेऽपि, तो मतलब जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है जिसमें जो मूत्र होता है वो प्रॉपर पास नहीं हो पाता है, ड्रिबलिंग होती है पेशेंट को, बर्निंग मिक्चुरेशन होती है, तो मतलब ऑलमोस्ट जितने भी मेंस्ट्रुअल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, यूट्रो वेजाइनल रिलेटेड प्रोलैप्स है या फिर यूरिनरी डिसऑर्डर्स हैं, उसमें आपको उत्तर बस्ती चूज़ करना बेस्ट ऑप्शन रहता है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ उत्तर बस्ती एंड लोकल इफेक्ट ऑफ उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती में प्रयोग किए जाने वाले द्रव्य कैसे अपना काम करते हैं ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा द्रव्य सेलेक्ट किया है और प्रॉब्लम जेनिटल ट्रैक के कौन से पार्ट में है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रॉब्लम सर्वाइकल स्टेनोसिस की है तो आप कटु उष्ण बेस्ड जो तेल है उसकी मेडिकेशन उत्तर बस्ती में प्रयोग करेंगे ताकि वो स्टेनोसिस ओपन हो जाए। और दूसरी ओर अगर पेशेंट कहता है कि उसको विजाइनल एरिया में काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस है, विजाइनल इचिंग है, तो आप मधुर शीत घृत का प्रयोग करेंगे उत्तर बस्ती में, जिससे सर्वाइकल ग्लैंड्स में स्म्यूकस की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाए और वहाँ का एरिया मॉइस्ट एंड हाइड्रेटेड हो जाए।
एंड तीसरे और उत्तर वस्ती ओव्यूलेशन पे कैसे काम करती है एंड ट्यूबल ब्लॉकेज पे कैसे काम करती है। देखिए, अगर उत्तर वस्ती आप अपने पेशेंट को उसकी ओवरीज के फंक्शन को नॉर्मल करने के लिए दे रहे हैं या ओवेरियन प्रॉब्लम के रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए आप उसको उत्तर वस्ती दे रहे हैं, तो वो अपना लोकल इफ़ेक्ट नहीं दिखाती। ऐसा नहीं है कि आपने उत्तर वस्ती दी और वो ओवरीज पर अपना लोकल इफ़ेक्ट डायरेक्ट ओवरीज पर एक्ट करने लग जाए, ऐसा नहीं है। वो पहले सिस्टेमिक इफ़ेक्ट दिखाती है, मतलब उत्तर वस्ती जब आप देते हैं फॉर ओवरीज, वो पहले हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, फिर वो हमारे ब्रेन पर एक्ट होती है एंड ब्रेन में हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी पर अपना काम करती है, उनको स्टिमुलेट करती है, जिससे हार्मोन स्टिमुलेशन होती है एंड हार्मोन अपने बैलेंस में आते हैं एंड फिर वो ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं ताकि उनका फंक्शन नॉर्मल हो जाए। इस तरह से वो उत्तर वस्ती ओवरीज पर एक्ट करती है, एक सिस्टेमिक इफ़ेक्ट बोलते हैं इसे। जबकि अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है तो वो अपना काम सीधे सीधे ट्यूब्स पर लोकली करती है। वो कैसे, इसमें हम जो लेखनीय द्रव्य बेस्ड उत्तर वस्ती देते हैं जिससे वो वहाँ उस इफ़ेक्टेड एरिया पर लेखन करती है एंड ब्लॉकेज को ओपन करती है। इसलिए ट्यूबल ब्लॉकेज में लेखनीय द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए एंड जबकि ओव्यूलेशन के केस में स्नेहन द्रव्य का, जो स्निग्ध द्रव्य है, उनका प्रयोग करना चाहिए। एंड जो हमारे यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम होता है उसमें कई तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं। उत्तर वस्ती में जो द्रव्य प्रयोग किए जाते हैं ये इन रिसेप्टर्स पर अपना काम करते हैं, इनको स्टिमुलेट करते हैं, जिससे साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने नॉर्मल लेवल पर आने लगता है, मतलब कि हार्मोन्स जो होते हैं अपने बैलेंस्ड फॉर्म में आने लगते हैं। तो इस तरह से उत्तर वस्ती आपके जेनिटल एरिया पर एक्ट करती है। आइए देखते हैं डोज ऑफ उत्तर वस्ती। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर वस्ती में स्नेहन की मात्रा बताई है 10 ml तक, जबकि आचार्य शाडंदा ने बताई है 100 ml तक। दोनों ही आचार्यों का मत काफ़ी अलग है, जबकि दोनों ही आचार्य अपनी जगह पर एक्यूरेट हैं। वो कैसे, आचार्य सुश्रुत इज़ एक्यूरेट फॉर इंट्रायूट्राइन उत्तर वस्ती, मतलब जब हम यूट्रस में उत्तर वस्ती देते हैं तो यूट्रस की जो कैपेसिटी रहती है ऑयल रिटेन करने की, वो है 3 ml की। तो उस हिसाब से आचार्य सुश्रुत अपनी जगह एक्यूरेट हैं। और ये जो डोज़ है हम सेकेंड या थर्ड वस्ती में साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि डे बाय डे यूट्रस की जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती है। एंड आचार्य शाडंगदर ने 100 ml बताया है फॉर इंट्राविजाइनल उत्तर वस्ती, जब हम विजाइना में उत्तर वस्ती देते हैं, क्योंकि विजाइना की रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। और आचार्य वाग्भट ने मेंशन किया है कि जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ द डोज ऑफ द उत्तर वस्ती शुड बी इन सेकेंड एंड थर्ड वस्ती, जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम सेकेंड एंड थर्ड वस्ती में ग्रेजुअली जो डोज़ है उत्तर वस्ती की इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दोनों आचार्य का मत काफ़ी अलग है एंड काफ़ी साइंटिफिक है। नस्य, उत्तर वस्ती के बाद अब हम पढ़ेंगे नस्य के बारे में। औषधम औषध सिद्धम स्नेहो वा नासिका अभ्यम दीयति इति नस्यम। जैसा कि आचार्य ने कहा है, जब हम मेडिसिन या मेडिकेटेड स्नेह नेजल कैविटी के थ्रू देते हैं उसे नस्य कहते हैं। नस्य को हम नावन या नस्य कर्म भी कहते हैं और जो मेडिकेटेड फॉर्मूला हम नस्य में यूज़ करते हैं उसे नासिका कल्पना कहा जाता है। सिनोनिम्स ऑफ नस्य है, नस्य को शिरोविरेचन भी कहा जाता है, शिरोविरेक कहा जाता है, मूर्ध विरेचन भी कहा जाता है एंड नस्य प्रच्छर्दनम भी बोला जाता है, मीन्स नेजल वॉमिटिंग। एरिया ऑफ यूज़, ऊर्ध्व जत्रुगत विकार जितने भी हैं उसमें नस्य का प्रयोग करवाया जाता है। नस्य इज़ यूज्ड इन ऑल द डिजीज़ अबव द थॉरिक्स एंड जितने भी सिर के डिजीज़ हैं, हेड के डिजीज़ हैं, जिसे हम शिरो रोग बोलते हैं, उसमें भी नस्य का प्रयोग करवाते हैं। क्योंकि जैसा कि आचार्य ने कहा है, नासिका ही सिरसो द्वारम, सिर का द्वार नासिका को माना गया है। टाइप्स ऑफ नस्य, नस्य 5 तरह के होते हैं, नावन, अपीड, धुमापन, धूम एंड प्रतिमर्श। नावन में स्नेहन एंड शोधन नस्य आ जाते हैं, अपीड में शोधन एंड स्तंभन, धुमापन मींस हर्बल स्मोकिंग, धूम मींस धूम में आ जाते हैं प्रयोगिक, स्नेहिक एंड विरेचनिक नस्य, प्रतिमर्श में स्नेहन एंड विरेचन नस्य। ये जो 5 तरह के नस्य बताए हैं ये 3 कैटेगरीज में रखे गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन। ये 3 कैटेगरीज कौन सी हैं, रेचन मींस प्योरिफिकेशन, तर्पण मींस नरिशिंग एंड शमन मींस रिट्रेनिंग।
अब टाइप्स ऑफ नशे मैं आपको बताऊंगी जैसा कि आचार्यों ने माने हैं। आचार्य सुश्रुत ने दो टाइप्स ऑफ नशे माने हैं, स्नेहन एंड शिरोविरेचन। और उन्होंने इसी में पांच तरह के और माने हैं, शिरोविरेचन, प्रतिमर्श, नशे, अपीड एंड प्रधमन। आचार्य वाग्भट ने विरेचन नशे, भृंगन नशे एंड शमन नशे माना है। आचार्य काश्यप ने दो तरह के नशे माने हैं, भृंगन एंड कर्षण, एंड आचार्य शाणंगधर ने रेचन एंड स्नेह नशे माने हैं। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ नशे एज पर टोल्ड बाय आचार्यस। अब जो मैंने तीन कैटेगरीज बताई थी, रेचन, तर्पण एंड शमन, उसके बारे में आगे सुनिए कि उनको वो क्या एक्शन करते हैं और उसमें कौन कौन से नशे रखे गए हैं। सबसे पहले आता है रेचन नशे। सबसे पहले आ जाता है रेचन नशे। रेचन नशे का क्या कर्म होता है? ये दोषों को अपनी जगह से मोबिलाइज करके नेजल कैविटी से एक्सट्रैक्ट आउट कर देता है, नेजल कैविटी से बाहर निकाल देता है। इसकी इंडिकेशंस क्या है? ये कौन सी कंडीशंस में दिया जाता है? स्पाजम में दिया जाता है, नंबनेस में दिया जाता है, एंड हैवीनेस ऑफ हेड की कंडीशन में दिया जाता है, जब सिर में भारीपन महसूस हो। इसके अंडर कौन से नशे आते हैं? प्रधमन, धूम एंड प्रतिमर्श। दे आर यूज्ड एज रेचन नशे। सेकेंड इज तर्पण नशे। तर्पण नशे क्या काम करता है? ये हमारे जो ब्रेन के टिश्यूज़ होते हैं उनको नरिशमेंट देता है, दोषों को नरिशमेंट देता है। जैसे कि कई इंडिकेशंस होती हैं, जैसे धातु कषाय, मतलब डीजनरेटिव चेंजेस ऑफ ब्रेन, ठीक है, उस केस में दोष क्षय, डेफिशिएंट प्रॉपर्टीज ऑफ दोषा, मतलब कि जैसे अगर दोषों की गुरुता में कोई कमी है, उनकी स्निग्धता में कोई कमी है, तो दोषों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। डीजनरेटिव चेंजेस ऑफ ब्रेन है, मतलब धातु क्षय है और उसमें धातुओं को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एंड वातज, शिरो रोग में ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फेशियल पैरालिसिस में, पार्किंसोनिज्म में हम तर्पण नशे का प्रयोग करवा सकते हैं। भृंगन नशे तर्पण नशे में इंक्लूड किया जाता है। एंड थर्ड इज शमन नशे। शमन नशे मीन्स जो प्रकोपित दोषों को शांत करें। इसका इंडिकेशन है ये एपिस्टैक्सिस में दिया जाता है, एंड मतलब जो नेजल ब्लीडिंग होती है एपिस्टैक्सिस उसमें दिया जाता है, एंड अदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन फॉर स्तंभन, ये स्तंभन का कार्य करता है। प्रतिमर्श एंड स्तंभन नशे इसके अंडर इंक्लूड किए जाते हैं। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नशे हैं इसमें कौन कौन सी टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं? देखिए, जो शमन नशे है उसको पैसिफाइंग नशे कहते हैं, विरेचन यानी कि रेचन नशे है उसको प्योरीफाइंग नशे कहते हैं, कर्षण को एक्सट्रैक्टिंग नशे कहते हैं क्योंकि दोष को एक्सट्रैक्ट कर देता है फ्रॉम द नेजल कैविटी, स्नेहन को ओलिएटिंग, मर्श को वेरी स्मॉल डोज, क्योंकि मर्श में वेरी स्मॉल डोज यूज़ की जाती है नशे के द्रव्यों की, प्रायोगिक को, दैट इज़ प्रायोगिक नशे कौन सा होता है, दैट इज़ यूज्ड ऑन रेगुलर बेसिस, एंड स्तंभन को रिटेंटिव नशे कहते हैं, जो ब्लीडिंग या कोई डिस्चार्ज निकल रहा था उसका स्तंभन कर देता है, रिटेंशन कर देता है। तर्पण को नरिशिंग नशे कहते हैं, शिरोविरेचन को प्योरिफिकेटरी नशे कहते हैं, एंड नस्या जो शोधन नशे होता है उसको भी प्योरिफिकेटरी नशे कहते हैं। एंड संज्ञा प्रबोधन, इसके लिए टर्म यूज़ की गई है सेंसोरियम प्रमोटिंग। और इसके बाद जो नावन नशे होता है वो ऑयल बेस्ड होता है। अवपीड में जूस यानी कि स्वरस का प्रयोग करते हैं। प्रतिमर्श में स्मॉल डोज ऑफ नशे यूज़ करते हैं। ये जस्ट पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेम्बर रखने हैं। धमापन में जो पाउडर होता है उसको ब्लो करते हैं, फूक मारते हैं ताकि वो नशे के अंदर चला जाए। एंड धूम में हम फ्यूम्स एंड वेपर्स का प्रयोग करते हैं। एंड भृंगन नशे मीन्स जो नरिशिंग नशे होता है, ऑल्सो कॉल्ड तर्पण नशे। टाइप ऑफ द नशे अकॉर्डिंग टू पार्ट यूज्ड। देखिए, जो फल नशे होता है उसमें फ्रूट का यूज़ होता है, ऐसे ही मूल नशे होता है जिसमें रूट का यूज़ होता है, कंद नशे जिसमें ट्यूबर का यूज़ होता है, निर्यास नशे जिसमें एग्जुडेट्स यूज़ होते हैं, पुष्प नशे जिसमें फ्लावर्स का यूज़ होता है, पत्र नशे होता है लीव्स का प्रयोग करते हैं, एंड त्वक नशे मीन्स जिसमें बार्क का प्रयोग करते हैं। अब फ्रूट नशे मतलब कि जो फल नशे होता है उसमें हम कौन कौन से द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि कौन कौन सी औषधियों के फल का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें आ जाता है अपामार, पिपली, विडंग, मरिच, शिग्रू, शिरीष, ये सारा आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। ऐसे ही लीव्स नशे में बताया गया है, मतलब पत्र नशे में तुलसी के पत्ते, अश्वगंधा के पत्ते, सप्तपर्ण। देखिए, अश्वगंधा का आज तक आपने सुना होगा कि रूट्स यूज़ करते हैं, लेकिन इसके लीव्स का भी प्रयोग होता है फॉर नशे कर्म। सप्तपर्ण, मूलक, सुंखा,
एंड इसके बाद जैसे कि लहसुन, सरसप, तालीश पत्र, तमाल पत्र, इन सब के पत्ते यूज़ होते हैं फॉर गिविंग नस्य। रूट्स नस्य मतलब जैसे जिनके जड़ यूज़ होती है फॉर गिविंग नस्यकर्म, दैट इज़ अर्क, अलर्क, कुष्ठ, नागदंती, वचा, भारंगी, ज्योतिषमति, इंद्रियान एंड ब्रह्मी, अतिविशा, कनीर, कुंदरू, करंज, इन सब के रूट्स यूज़ होते हैं। ऐसे फ्लावर्स जो हैं वो लोद्र के, मदन फल के, सप्तपर्ण, नीम, अर्क, ट्यूबर यूज़ होते हैं, हरिद्रा के, शुंठी के, लहसुन के, मूलक के। एंड एग्जुडेट्स जो यूज़ होते हैं वो हैं देवदारू के, हींगू के, अगरू और कई दियो हैं इस प्रकार से, शल्लकी, ताड़, मधुक। और इस प्रकार से जो बार्क होती है, त्वचा यूज़ होती है गुड़ुची की, इंगुदी की, शिगरू की, बृहती, दालचीनी, मेष श्रृंगी, तेजोवती, इन सब की त्वचा यूज़ करते हैं फॉर गिविंग द नस्य कर्म। टाइप्स ऑफ नस्य अकॉर्डिंग टू द द्रव्य भेद, द्रव्य की डिवाइडेशन यानी कि कैटेगरीज के अकॉर्डिंग नस्य के कितने टाइप्स होते हैं, ये आ जाता है चूर्ण। जैसे कि द्रव्य, किसी द्रव्य के हम पाउडर यूज़ करते हैं तो चूर्ण नस्य होता है, किसी का कल्क यूज़ करते हैं, किसी का स्वरस यूज़ करते हैं, किसी का शीर यूज़ करते हैं नस्य देने के लिए। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द द्रव्य भेद। किसी द्रव्य का सार यूज़ करते हैं, किसी को धूम वेपर्स फॉर्म में यूज़ करते हैं, हर्बल स्मोकिंग जिसे हम कहते हैं, किसी का तेल यूज़ करते हैं, सिद्ध तेल, घृत, स्नेह। तो इस प्रकार से अलग अलग नस्य आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द द्रव्य भेद। हर्ब्स फॉर नस्य, कौन से हर्ब का क्या पार्ट यूज़ होना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है। अब आचार्य चरक ने अलग अलग द्रव्यों के जो गुण बताए हैं नस्य में प्रयोग होने वाले वो सुनिए। अपामार्ग, रुक्ष, तीक्ष्ण, कटु, उष्ण, शोथर, वेदना स्थापक, पिपली, इसके क्या गुण हैं, स्निग्ध, तीक्ष्ण, कटु, उष्ण, शीत, विडंग, रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, कटु, कृमिहर, शिग्रु, रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, कटु, कफ, वातघन। और इस तरह से अजाजी, रुक्ष, कटु, उष्ण, मारिच, लघु, तीक्ष्ण, उष्ण, कटु, इस तरह से कई सारे हर्ब्स और उनके गुण हमने मेंशन करे हैं स्टडी मटेरियल में। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बता देती हूँ, जैसे कि लवण, सूक्ष्म, स्निग्ध, उष्ण, ज्योतिषमति, तीक्ष्ण, सर, कटु, उष्ण, एला, मधुर, शीत, दुर्गंधनाशक, रुक्ष, कटु। तो ये सारे हर्ब्स हैं, आपको स्टडी मटेरियल में और भी कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो हमने मेंशन किए हैं एंड इनके जो गुण जो मेंशन किए हैं। नावन नस्य, नावन नस्य को हम पिच्छूना नवनीत स्त्रीवी भी बोलते हैं, क्योंकि नावन नस्य कॉटन पीस जो स्नेह में डिप किया हुआ होता है उससे दोनों नॉस्ट्रल्स में दिया जाता है, या फिर इसमें हम लीफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नस्य इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट। ये दो तरह का होता है, स्नेहन एंड शोधन। नावन नस्य का जो स्नेहन वाला टाइप है उसके क्या इंडिकेशंस हैं, स्नेहन नस्य हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में दे सकते हैं, वातज, ब्रेन डिसऑर्डर्स, हेयर फॉल में, फॉलिंग ऑफ टीथ, एलोपेशिया, ईयर एक में, ईयर वैक्स में, कैटरैक्ट में, स्वेटिंग ना हो अगर बिल्कुल, नेजल कैविटी के डिसऑर्डर्स हो, इवन फ्रोजन शोल्डर में, वात पित्तज डिसऑर्डर्स ऑफ ओरल कैविटी जैसे कि स्टोमेटाइटिस हो, अल्सरेशन हो माउथ में, प्री मेच्योर रिंकल्स में। देखिए कितने अच्छे अच्छे इंडिकेशंस दिए हैं, आप पूरा एक कॉस्मेटिक सेंटर भी खोल सकते हैं नस्य को लेकर। प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर में एंड ड्राउजीनेस में। सबसे पहले नावन नस्य में ये जो स्नेहन नस्य का टाइप है इसको ओलिएटिंग भी बोलते हैं, ओलिएटिंग नस्य। तो इसको देने से पहले हमें वात पित्त शामक द्रव्य का सिलेक्शन करना चाहिए और उससे बने जो मेडिकेटेड ऑयल है उससे पेशेंट का स्नेहन करना चाहिए। डोज क्या रहती है स्नेहन नावन नस्य की, जो लोएस्ट डोज है हीन मात्रा वो है 8 ड्रॉप्स इन ईच नोस्ट्रिल, मीडियम डोजेस 16 यानी कि 16 ड्रॉप्स इन ईच नोस्ट्रिल एंड हाईएस्ट डोज इज 32 ड्रॉप्स इन ईच नोस्ट्रिल। और एक ड्रॉप कितनी क्वांटिटी की होती है, 3.6 ml। नेक्स्ट इज शोधन नावन नस्य, शोधन नावन नस्य इसके क्या इंडिकेशंस हैं, एनोरेक्सिया, हैवीनेस ऑफ हेड, हेडेक, क्रॉनिक रनाइटिस, माइग्रेन, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस।
कोराइजिया, एपिलेप्सी, एनोजमिया जब स्मेल आना बंद हो जाती है, कफज डिसऑर्डर्स ऑफ आई। इसमें हम जो ऑयल होता है, जो स्नेह होता है, कौन सा यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रोसेस्ड विद शिरोविरेचन घन द्रव्य और पिपली घन द्रव्य। जो द्रव्य शिरोविरेचन घन द्रव्य होते हैं या पिपली घन द्रव्य होते हैं, जैसे कि पिपली, विडंग, शिग्रु, अपामार्ग, इनसे प्रोसेस्ड ऑयल यूज़ करते हैं। एंड टाइमिंग्स ऑफ नावन नसें क्या होती है स्नेहन एंड शोधन दोनों की, अकॉर्डिंग टू दोष। अगर कफज दोष प्रोमिनेंट है तो मॉर्निंग में देना चाहिए नसें, पित्तज दोष प्रोमिनेंट है तो आफ्टरनून में, एंड वातज डिसऑर्डर्स में हमें इवनिंग में नावन नसें का प्रयोग करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सीजन, शीत में आफ्टरनून, शरद में मॉर्निंग, वसंत में मॉर्निंग, ग्रीष्म में इवनिंग, वर्षा में ऑन विजिबिलिटी ऑफ सन, एंड इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ऑन क्लाउडी डे। बादल जब बहुत ज़्यादा घने हो तब नसें नहीं देना चाहिए। और शोधन नसें जो मैंने आपको बताया था, जो शिरोविरेचन घन द्रव्यों से प्रिपेयर किए हुए ऑयल से दिया जाता है, उसकी डोज क्या रहती है, उसमें हीन मात्रा जो है वो 4 ड्रॉप्स 4 ड्रॉप्स इन ईच नॉस्ट्रिल, एंड मीडियम है 8 ड्रॉप्स इन ईच नॉस्ट्रिल, एंड हाइएस्ट डोज है 8 to 12 ड्रॉप्स इन ईच नॉस्ट्रिल। और इसको एवरी ऑल्टरनेट डे देना चाहिए, डेली नहीं देना चाहिए। अपीड नस्से, ऐसा नस्से जिसमें हर्बल पेस्ट यानी कि द्रव्यों का कल्क या फिर हर्बल जूस यानी कि द्रव्यों का स्वरस प्रयोग किया जाता है नेजल कैविटी में डालने के लिए। अपीड का मतलब होता है स्क्वीज, यानी कि जो कल्क होता है उसके स्क्वीज करके जो स्वरस निकाला जाता है उसको नेजल कैविटी में हम नस्से कर्म के दौरान डालते हैं। इसको संज्ञा प्रबोधन स्टिमुलेंट नस्से भी बोलते हैं, क्योंकि जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता था पहले, तो उसके सेंसोरियम को प्रमोट करने के लिए हम अपीड नस्से का प्रयोग करते थे। इट्स अ वैरायटी ऑफ शोधन नस्से, ये शोधन नस्से के अंडर आता है, एंड ये कफज डिसऑर्डर्स में इसका प्रयोग किया जाता है, एंड इसको आचार्य स्नेक बाइट पेशेंट्स में भी प्रयोग करते थे। मतलब जब सांप काट जाता था तो पेशेंट का कॉन्शियस लेवल जो है उसको बढ़ाने के लिए, उसका सेंसोरियम प्रमोट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसकी डोज कितनी होती है, स्मॉल डोज होती है 4 बिंदु, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 15 ml, मीडियम डोजेस 6 बिंदु अप्रॉक्सीमेटली 22 ml, हाई डोजेस 8 बिंदु, हाई डोजेस 8 बिंदु अप्रॉक्सीमेटली 29 ml। लेकिन आचार्य हेमाद्री ने माना है कि बिंदु की कोई क्वांटिटी नहीं होती। जब आप अपनी इंडेक्स फिंगर का जो डिस्टल फेलेंजिस होता है, मतलब कि इंडेक्स फिंगर को मान लीजिए आप ऑयल में डिप करते हैं और फिर उससे जितना ड्रॉप नेजल कैविटी में जाता है उसी को उन्होंने एक बिंदु माना है। एज सच कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं मानी है एक बिंदु की। डोज सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ के अकॉर्डिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए जो हीन मात्रा होती है वो वीक पेशेंट्स में प्रयोग करवाई जाती है या फिर माइनर एलिमेंट में देते हैं। मध्यम मात्रा जो होती है वो मीडियम हेल्थ, मीडियम इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज़ केस में देते हैं, एंड उत्तम मात्रा जब बहुला दोषा होता है, सिवियर कंडीशंस एंड पेशेंट विद गुड स्ट्रेंथ। विधेय ने अपीड नसें कौन कौन सी कंडीशंस में एडवाइस किया है, पॉइजनिंग केस में, सिंकोप में, स्ट्यूपर, हिस्टेरिया, इंटॉक्सिकेशन, एपिलेप्सी, हेडेक, एंगर, फियर, मेंटल डिसऑर्डर, मतलब मोस्टली ऐसी कंडीशंस में जब पेशेंट का सेंसोरियम जो है काफ़ी कम हो जाता है, ड्राउजीनेस हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको सेंसोरियम प्रमोट करने के लिए, इसलिए इसको संज्ञा प्रबोधन नस्से माना गया है। हर्ब्स जो अपीड नस्से में यूज़ किए जाते हैं वो है हींग, ये हींग का प्रयोग कब करवाते हैं फॉर अपीड नस्से, जब पेशेंट क्रॉनिक कफ हो उसको, वूपिंग कफ हो, कोल्ड हो, कुटिज का प्रयोग कोल्ड कोराइजा में, एंड द्राक्षा का प्रयोग नेजल ब्लीडिंग में, दूरवा का प्रयोग भी नेजल ब्लीडिंग में, दाड़िम पुष्प का प्रयोग नेजल ब्लीडिंग में, द्राक्षा, दाड़िम पुष्प एंड दूरवा इनका नेजल ब्लीडिंग में, एंड वॉर्म इन्फेस्टेशन कोल्ड इसमें पिपली और वॉर्म इन्फेस्टेशन एंड हिक्का में शुंठी,
और फ्रंटल साइनोसाइटिस, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जिसमें एक्सट्रीम हेडेक एपिसोड्स आते हैं पेशेंट को, जो कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में जिसको अनक्योरेबल कहा गया है, उसमें शीरीष मूल का प्रयोग करवाते हैं, और कोल्ड कफ इन्फ्लामेशन में तुलसी का, ये सारे अलग अलग द्रव्य हैं और इनके अलग अलग इंडिकेशंस हैं, जो कि अपीड नशे में हम अलग तरह के पेशेंट्स में प्रयोग करवाते हैं। वचा का प्रयोग अपीड नशे में कब करवाते हैं? संज्ञा प्रबोधन के लिए, कुष्ठ का कोल्ड कफ के लिए, एंड लहसुन का हिक्का के लिए, क्रॉनिक कफ के लिए, एंड इन नेज़ल ब्लीडिंग। एंड इसी तरह से एक श्वाकू का नेज़ल ब्लीडिंग में, देखिए मैंने आपको कई हर्ब्स बताए हैं जो आप नेज़ल ब्लीडिंग में नशे के लिए प्रयोग कर सकते हैं अपीड नशे में। जो ब्रोंकियल एस्थमा है एंड ब्रोंकियेक्टेसिस का पेशेंट आपके पास आता है, तो आप अर्क का प्रयोग करेंगे फॉर अपीड नशे। और मैंने पहले बता दिया है कि आप अर्क के कौन से पार्ट का प्रयोग करेंगे। और इसी तरह से फ्रंटल साइनोसाइटिस में, कफ में भृंगराज का प्रयोग करेंगे। क्रिमिज शिरो रोग में आप शिग्रु बीज और करंज का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ अलग अलग डिजीज़ के हिसाब से अफपीड नशे की क्या क्या फॉर्मुलेशन रहती हैं, जैसा कि आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने अपने संहिताओं में बताया है। सबसे पहले तो अगर उन्माद का पेशेंट है, तो चिकित्सा 9 में आचार्य चरक ने बताया है पिपल्य आदि अपीड नशे का प्रयोग करना चाहिए। और इसी तरह से नेज़ल ब्लीडिंग का अगर पेशेंट है, तो चिकित्सा 4 में आचार्य चरक ने अमर आदि अपीड नशे का प्रयोग बताया है, और वहाँ पे इनके फॉर्मुलेशंस को कैसे बनाना है ये भी बताया हुआ है। माइग्रेन का पेशेंट है, इसमें तो देखिए दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल्स हमने मेंशन करे हैं स्टडी मटेरियल में, मैं आपको कुछ बता देती हूँ, बाकी आप पढ़ सकते हैं। अब जैसे माइग्रेन में आचार्य सुश्रुत ने उत्तर स्थान में 26 chapter 32 श्लोक में बताया है मधु चंदन नस्से का प्रयोग करना। और इसी तरह उन्होंने माइग्रेन में कई और फॉर्मुलेशंस भी उत्तर 26 में दिए हुए हैं फॉर माइग्रेन, जैसे कि मधु मनेशिला नस्से, शिरीष आदि नस्से। हिकअप्स में और एस्थमा में शाडंदर ने चैप्टर 17 श्लोक 138 में बताया है, शारीर स्थान में आचार्य सुश्रुत ने चैप्टर 17:138 श्लोक में बताया है चंदन शीर नस्से फॉर हिकअप एंड एस्थमा। अगर एपिलेप्सी का पेशेंट है, कन्वल्शन का पेशेंट है, अनकॉन्शियसनेस का पेशेंट है, तो मधु शार आदि अपीड नस्से। तो इस तरह से कई सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको स्टडी मटेरियल में मिल सकते हैं। धमापन नशे को हम प्रदमन नशे भी बोलते हैं। ये शोधन टाइप का नशे होता है जिसमें हम हर्ब्स का पाउडर प्रयोग करते हैं और उसको नोज़ में ब्लो करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है धमापन नशे के लिए, वो आचार्य ने कुछ इस तरह से बताया है। इसमें नशे ट्यूब होती है 6 अंगुल लंबी और उसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं। उस ट्यूब में हम पाउडर फिल करते हैं, नोज़ में ब्लो करते हैं, मतलब पेशेंट की नोज़ में ब्लो करते हैं। इसके इंडिकेशंस क्या रहते हैं? मनोरोग, मेंटल इलनेस में ये काम आता है, जैसे कि साइकोसिस यानी उन्माद, एपिलेप्सी यानी कि अपस्मार, एंड ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज़ यानी कि अतत्व अभिनिवेश, क्रिमिज शिरोरोग में मतलब न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस में, एंड विष पीड़ित में पॉइजनिंग केसेस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी डोज क्या रहती है? ये है 3 मुचुट्टी मतलब 3 pinches। 1 मुचुट्टी मतलब कि जो हर्ब्स का फाइन किया हुआ पाउडर है, वो जितना अमाउंट उसकी उसका हमारी इंडेक्स फिंगर और थंब में आ जाए, 1 pinch जितना, उतना 1 मुचुट्टी कहलाता है। एंड उसकी डोज कितनी होती है? लगभग 250 से 500 mg, मतलब 1 से 2 रत्ती आप कह सकते हैं। अब इसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है? देखिए, एक तरीका तो ये है कि हम अपने इंडेक्स एंड थंब में 1 pinch ऑफ फाइन पाउडर लेकर डायरेक्टली नेज़ल कैविटी में एडमिनिस्टर कर दें, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि हम जो नशे मेडिसिन है, पाउडर्ड, फाइनली पाउडर्ड नशे मेडिसिन है, उसको एक मसलिन क्लोथ में डाल के उसकी पोटली बना दें, एंड
पेशेंट की नोज़ के पास उस पोटली को रखें ताकि पेशेंट स्ट्रांगली उसको स्निफ कर जाए, मतलब इनहेल करे, और इस तरह से पाउडर जो है नेज़ल कैविटी में इनहेलेशन के थ्रू एडमिनिस्टर हो जाता है। एंड ये ज़्यादा सेफ तरीका है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में मेडिसिन इनहेल नहीं कर पाता पेशेंट, एक सेफ़ डोज में उसके अंदर मेडिसिन एडमिनिस्टर होती है। दमापन नस्य के क्या फॉर्मुलेशंस रहती हैं, आचार्य चरक ने चिकित्सा में बताया है साइकोसिस यानी कि चिकित्सा 9 में उन्माद यानी साइकोसिस के लिए त्रिकटु नस्य बताया है, एंड चिकित्सा 10 अपस्मार यानी कि एपिलेप्सी के लिए उन्होंने भारंगी वचा आदि नस्य, श्याम आदि नस्य एंड पिपले आदि नस्य का डिस्क्रिप्शन दिया है। पॉइजनिंग केस में आचार्य ने चिकित्सा स्थान 23 में श्लोक 54-60 में मृत संजीवनी अगध नस्य का प्रयोग बताया है, एंड स्नेक बाइट में चिकित्सा 23 में श्लोक 193 में आचार्य ने शीरीष पुष्प रस भावित मारिच प्लस शुभांजन नस्य बताया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं पेशेंट का विद नस्य थेरेपी। और इस तरह से एक और आचार्य ने एक और स्नेक बाइट में दर्विकार सर्प विष में आचार्य चरक ने 23 में 196 श्लोक चिकित्सा स्थान में सिंधिवर मूल आदि नस्य का प्रयोग बताया है एंड वचा आदि नस्य का प्रयोग बताया है। धूम नस्य का मतलब है ऐसा नस्य कर्म जिसमें हम हर्बल औषधियां हर्बल द्रव्य के फ्यूम्स को इनहेल करते हैं थ्रू नेजल कैविटी, एंड दीज फ्यूम्स आर जनरेटेड बाय बर्निंग द सिलेक्टेड द्रव्य। इसके टाइप्स कितने होते हैं, प्रायोगिक धूम जो कि डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं, वैरेचनिक धूम नस्य जो टॉक्सिन्स को रिमूव करने में काम आता है, एंड स्नेहिक धूम जो हमारे टिश्यूज़ को हमारे दोषों को हमारे धातुओं को नरिशिंग करने के काम आता है एंड ओलिएशन करने में काम आता है। इसके इंडिकेशंस क्या हैं, देखिए नासा रोग में कई तरह के नासा रोग होते हैं जैसे कि ड्राई नेजल पैसेजेस, साइनस कंजेशन, कॉमन कोल्ड, क्रॉनिक साइनसाइटिस, नेजल एलर्जीज जिसमें हम धूम नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। शिरो रोग जैसे कि क्रॉनिक वेस्कुलर हेडेक, माइग्रेन, एपिलेप्सी, डीजनरेटिव डिजीजेस ऑफ ब्रेन। अक्षय रोग जैसे कि ड्राई आईज, इचनेस, वॉटरी आईज, आपको तमाम पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिसकी आईज़ में से वाटरी डिस्चार्ज निकलता हो या फिर ड्राई आईज़ हो, इचिंग हो, ज़ेरोफ्थैल्मिया जैसी कंडीशन हो, कंजक्टिवाइटिस हो, ऐसी कंडीशंस में हम धूम नस्य पेशेंट को दे सकते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ धूम नस्य, देखिए जब रोगी की ऐसी कंडीशन हो, जब दोष जो है वो बहुत ज़्यादा उत्क्लेशित कंडीशन में हो या फिर एक्साइटेड हो, तो उसको सबसे पहले जो धूम है वो अपने नेजल कैविटी से इनहेल करना चाहिए और फिर उसको माउथ से निकालना चाहिए। और दूसरी ओर जब दोषों को अपनी जगह से यानी कि नासा या सिर से मोबिलाइज करना हो तो उसको माउथ से ही इनहेल करके माउथ से ही बाहर निकालना चाहिए। देखिए जो नोज़ ये पॉइंट कंसिडर करने वाला है कि कोई भी जो धूम नस्य है उसके फ्यूम्स हमने अगर नोज़ से इनहेल किए तो हम उसे माउथ से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मुख द्वार से यानी कि माउथ से उसको इनहेल करके हम नोज़ से उसको एक्सहेल नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में आइस का डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। नाक से लिया गया धूम मुख से निकाल सकते हैं, मुख से लिया गया धूम नाक से नहीं निकाल सकते, उसको मुख के द्वारा ही निकालना चाहिए। दोष उत्क्लेशित कंडीशन में नाक से लेना चाहिए, मुख से निकालना चाहिए, एंड दोष को मोबिलाइज करने की कंडीशन में मुख से लेना चाहिए और मुख से ही निकालना चाहिए। एंड इसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ धूम नस्य। देखिए धूम नस्य को हम किस प्रकार से दे सकते हैं, इसके तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले तो हम नस्य नेत्र का प्रयोग करेंगे जिसमें एक नेजल ट्यूब का प्रयोग किया जाता है और जो सिलेक्टेड हर्ब्स होते हैं उसमें रखे जाते हैं, उनको बर्न करके जो फ्यूम होता है वो पेशेंट इनहेल करता है। अब ये जो नस्य नेत्र है यानी कि नेजल ट्यूब है उसकी क्या लेंथ रहती है, जो तीक्ष्ण और विरेचनिक टाइप है वो 24 अंगुल होता है, स्नेहिक टाइप 32 अंगुल और प्रायोगिक टाइप जो होता है वो 36 अंगुल होता है। मैक्सिमम जो लेंथ है वो 40 अंगुल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एंड ये 3 से 4 बार एक सिटिंग में हम पेशेंट को दे सकते हैं।
स्टीम जनरेटेड विद हर्ब्स, इसमें हम क्या करते हैं, एक स्टीमर का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें वाटर में हम हर्ब्स जो होती हैं वो बॉयल करके, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक स्टीमर्स हो जाते हैं वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन करते हैं तो वो वाटर में बॉयल होती हैं, तो उससे जो स्टीम निकलती है वो पेशेंट इनहेल करता है, अपना हेड थोड़ा बेंड करता है एंड हेड के ऊपर हम उसको टावल से कवर कर देते हैं, इस तरह से वो जो सिलेक्टेड हर्ब्स होती हैं उसकी स्टीम लेता है। जैसे कि इसमें हम हर्ब्स यूज़ करते हैं लेवेंडर, विंटर ग्रीन, यूकेलिप्टस आदि। एंड थर्ड इज़ फ्यूम जनरेटेड विद हर्ब्स, जो कोयला होता है उसके ऊपर हम जो सिलेक्टेड हर्ब्स होते हैं उसका पाउडर स्प्रिंकल करते हैं और उससे जो फ्यूम्स निकलते हैं वो डायरेक्टली पेशेंट की नेजल कैविटी में एडमिनिस्टर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कंटकारी द्रव्य है उसका जो पाउडर है उसको हम कोयले में जलाते हैं एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन नेजल कंजेशन, क्रॉनिक साइनोसाइटिस, कोराइजिया एंड डिजीज ऑफ थ्रोट। इसके बाद आ जाता है हर्ब्स फ्रॉम धूम नस्से, इसमें है जैसे कि प्रायोगिक धूम नस्से हर्ब्स, जो प्रायोगिक धूम नस्से हैं हम डेली यूज़ करते हैं उसमें कौन से हर्ब्स आ जाते हैं, गुलर, प्लक्ष और लोद्र, गुग्गुल, पीपल, वट, जटामानसी, नागरमोथा, ऐसे कई हर्ब्स हैं जो हमने मेंशन किए हैं अपने स्टडी मटेरियल में, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से स्नेहिक धूम नस्से, जिसमें हम नस्से के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट के दोषों को, धातु को, उसमें कौन सा हर्ब यूज़ करना चाहिए, देखिए इसमें जीवनीय गन प्रोसेस्ड विद घी, फैट एंड वैक्स, ये मतलब यूज़ करना चाहिए और इसका धूम देना चाहिए, जीवनीय गन का प्रयोग करते हैं। और विरेचनिक धूम नस्से हर्ब्स में हम श्वेत अपराजिता, ज्योतिषमती, हरताल, मनाशिला, अगरुपत्र का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास यूज़फुल लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम नस्से के बारे में और भी डिटेल्स आपको बताएंगे, ये प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया जाता है एंड इसके साथ ही हम आपको मसाज थेरेपी के डिटेल्स के बारे में बताएंगे। आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ मेंशन करिए ग्रुप में ताकि हम आपका डाउट जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें एंड इसके साथ ही अपने रिव्यूज़ भी प्लीज़ 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 मेंशन करिए, आपको हमारी क्लास कितनी यूज़फुल लग रही है और कैसी लग रही है, इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है। नमस्कार।